श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 30 अक्टूबर सोमवार के दिन कार्तिक मास की सप्तमी तिथि है और इस सप्तमी तिथि के दिन अगर आप महादेव के परिवार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस कार्तिक मास के सोमवार के दिन आपको यह छोटा सा उपाय मिश्रा जी का करना है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताया गया यह उपाय पूरी विधिवत रूप से हम पहले समझेंगे, उसके बाद ही इस उपाय को आप करिएगा। मिश्रा जी का यह विशेष उपाय अगर कोई करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, उसके साथ ही में बीमारियां कष्ट दूर होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूर्ण होती है। आपको इस उपाय को कैसे करना है विधिवत रूप से हम जानेंगे। आपको इस उपाय को करने के लिए क्या करना होगा कि सोमवार के दिन यानी कि 31 अक्टूबर को प्रातः काल स्नान आदि कर लीजिएगा। स्नान आदि करने के बाद आपको 5 बेलपत्री लेनी है, बेलपत्री और कुछ अक्षत के दाने ले लीजिएगा। बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्री के साथ में कुछ अक्षत के दाने लेने के बाद आपको थोड़ा सा कंकु घोलकर एक कटोरी में रख दीजिएगा। यह सब सामग्री और एक शुद्ध लोटा जल लेकर किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि जो सिंदूर आप लेकर आए हैं उससे उस बेलपत्री पर छोटा सा ओम अपनी मनोकामना बोलकर बना दीजिएगा और यह कार्य आपको 5 बेलपत्री में हर बार अपनी मनोकामना बोलकर छोटा सा ओम बनाना है। यह करने के बाद इन 5 बेलपत्रियों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद जो अक्षत के दाने आप लेकर आए हैं उसे इन बेलपत्री के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। यह करने के बाद जो शुद्ध लोटा जल आप लेकर आए हैं उससे बिल्कुल पतली धार से शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा। शिव जी को जल अर्पित करने के बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा। महादेव की कृपा आप पर होगी, साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी, बीमारियों कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। महादेव के पूरे परिवार की कृपा आपको इस उपाय के करने से, खास करके सप्तमी तिथि कार्तिक मास की और सोमवार पड़ने के दिन इस उपाय को अगर आप करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।